किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में आज़ादी को लेकर किस हद तक लीडर्स के दिल में देशभक्ति जागी है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद होकर 75 साल मुकम्मल होने वाले हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं बीजेपी के लीडर्स और मुख्तलिफ जमातों के सियासी लीडर्स, लेकिन ताजुब की बात यह है कि लीडर्स हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशन में रहते हैं और हमारा देश का मुस्तकबिल यानी हमारे देश के मासूम बच्चे बारिश में भी भीगते हैं, बुखार से भी पड़ते हैं, डेंगू मलेरिया ये सभी चीज़ें मासूम गरीब बच्चों को ही आते हैं, लीडर्स को क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि लीडर्स जो है अपना अपना बंदोबस्त कितनी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। क्योंकि मेहंदीपट्टनम गुड्डी मलकापुर के पास जो है मासूम बच्चों को लेकर तिरंगा रैली निकाली गई, उसमें बीजेपी के लीडर मौजूद थे। बीजेपी के लीडर के साथ उनके असिस्टेंट भी मौजूद थे, जो कि हल्की सी बारिश हो रही थी जिसकी वजह से जो है उनके असिस्टेंट ने छाता खोलकर बीजेपी के लीडर को सेव कर लिया। लेकिन ये मासूम बच्चे जो पानी में भीग रहे हैं, अगर इनको बुखार आ जाता है या कुछ बीमारी आ जाती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? ऐसा लगता है कि देश आज़ाद होकर मुकम्मल 75 साल हो चुके हैं, जिसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ लीडर्स को हो रहा है, गरीब गुरबा आवाम को नहीं हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मेहंदीपट्टनम गुड्डी मलकापुर से किस तरह से जो है लीडर्स आपने तिरंगा रैली निकाली। Islamic International School, success in both the worlds. Admissions are open. Mehdipatnam, Santosh Nagar, Sun City, and Bahadurpura, Hyderabad. At Hidayah Junior College, we provide result-oriented coaching for NEET, JEE Mains, CA Foundation, along with regular IPE courses.
Hidaya offers courses MPC, BIPC, CEC, MEC and HEC, Islamic education and Quran classes. Registrations are open. Hurry up. Visit today.